चैनल आज का जो ये वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है आज मैं शेयर कर रही हूँ किचन में यूज करती हूँ कुछ ऐसे स्टोरेज कंटेनर्स जिससे कि काम भी मेरा आसान हो जाता है और इनमें से कई सारे ऐसे है जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं तो काम में भी आते हैं और किचन की शोभा भी बढ़ाते हैं मैंने ट्राई किया है इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दू जो मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया है उसका मैं मैंशन कर दूंगी की इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैंने सुपर कहीं से लिया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर ले तो चलिए लेट नहीं करते हैं और फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं ये जो कंटेनर है ये टप्पर वेयर का पाँच के जी वाला कंटेनर है जिसमें आप चावल आटा वगैरह रख सकते हैं तो ये आता है एयर टाइट लिड के साथ में जो ईजिल क्लोज भी हो जाता है और अच्छे से बंद हो जाता है जैसे मैं इसमें ममरा स्टोर करती हूँ और कभी भी ममरा में हवा नहीं लगता है और अच्छी बात यह भी है कि स्टोरेज में ईजी है कम स्पेस लेता है जैसे ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा क्योंकि ये राउंड शेप का है वहीं पर अगर आप रेक्टेंगुलर लेते हो तो आपके मॉडुलर किचन में स्टोर करने में आसानी हो जाती है ये भी टपरवेयर का ही मेरे पास है इसमें मैं पल्सेस स्टोर करती हूँ तो इसमें भी आपको मिलता है एयर टाइट लीड और साथ में यहाँ पे विजिबिलिटी भी रहती है कि आपने अंदर क्या रखा है इसमें रेड लीड भी आता है और ब्लू लीड भी आता है जैसा भी आपको किचन में रखना हो तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से एक शेल्फ में सारे ही टप्परवेयर के यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं ये जो राउंड वाला है ये दिखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन वही है स्पेस सेविंग के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो फिर राउंड लेना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा पर अगर जगह है और आपको लेना हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दिखने में प्यारा लगता है तो इसमें इस तरीके से मैंने स्पून भी रख दिया है ताकि ये कुछ भी निकालना हो तो आसानी हो जाए पर अगर आप कंपेयर करोगे मेरे टपरवेयर वाले से इसको तो टपरवेयर काफ़ी कम जगह लेता है चलिए मैं आपको यहाँ एक डेमो दिखाती हूँ देखिए मैंने यहाँ पर तीन टपरवेयर रखा है और तीन यहाँ पर मैंने ये राउंड वाला रखा है कंटेनर्स पर आप देखेंगे कि ये तीन टपरवेयर ने काफ़ी कम जगह ली है और ये राउंड वाले ने बहुत ज़्यादा जगह ली है उसके बाद मेरे पास ये छोटे छोटे भी है कंटेनर जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ जैसे कि सूखा हुआ मिर्ची रखा है इसमें धनिया जीरा पाउडर वगैरह रखा तो इस तरीके से आप स्टैक करके अच्छे से रख सकते हो मैं इसे फ्रिज में भी रखती हूँ फ्रीज़र में और साथ में मैं अपने कब्ड में भी स्टोर रखती हूँ तो जो भी कम क्वान्टिटी में चाहिए उसके लिए परफेक्ट होता है और मैंने इसमें एक एस एस का स्पून भी डाल रखा है ताकि निकालने में आसानी हो जाए मेरे पास ये तीन ग्लास के कंटेनर हैं जिसमें मैं बिस्किट्स वगैरह रखती हूँ या जो भी मंचिंग का रखना हो तो ये ट्रियो ब्रांड का है रेड कलर की इसकी लिड आ जाती है तो ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं और ऐसे ही मैंने इसके ऊपर में स्टिकर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा कूल लगे वैसे तो ट्रांसपेरेंट है ये पर यह भी स्पेस लेता है पर दिखने में प्यारा लगता है इन केस अगर आपको अपने किचन में कुछ ऐसा ऐड करना हो तो उसके बाद ये मैंने हाल फिलहाल ही शुगर को स्टोर करने के लिए लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेनर है तो अगर आप शुगर और टी वगैरह रखने के लिए कुछ भी ढूंढ रहे हो तो ये काफ़ी सही रहेगा अफोर्डेबल भी है तो फेमोरा ब्रांड का ही आता है और इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से एक मेजरिंग स्पून सेट का स्पून रख दिया है यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया हुआ है सारा ही मेजरमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से एयर टाइट लिड है इसकी और नीचे भी रबर स्टॉपर दिया हुआ है ताकि स्क्रैच ना आए आप जहाँ भी रखो तो दिखने में प्यारा लगता है ये उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दो और कंटेनर्स हैं ग्लास के ही तो अलग अलग साइज के हैं दोनों ही पर सेम दिखते हैं मतलब लिड वगैरह सब कुछ सेम है तो अगर आपको बादाम वगैरह स्टोर करना हो या जो भी छोटा मोटा मंचिंग का स्टोर करना हो तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है तो हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे शुगर और टी के कंटेनर के लिए तो मैंने वैसे तो लिया था ये सुपर से पर लिंक मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी तो काफ़ी छोटा सा है तो शुगर और टी वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है तो मैं इसमें ब्राउन शुगर रखती हूँ और मैंने इसमें छोटा सा एक स्पून भी डाल रखा है यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ छोटे छोटे ये वाले कंटेनर्स जब भी मुझे स्टोर करना हो जैसे जीरा अजवाइन ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इलायची वगैरह उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये तो जो मैंने आपको बड़ा वाला टी और शुगर वाला दिखाया था ऐसा ही दिखता है ये पर उसी में छोटा है और मैंने इसमें स्पून भी डाल दिया है तो ये स्पून मैंने लोकली परचेज़ किया था तो छोटे चोट छोटे स्पून भी मिल जाते जो आप स्टोर कर सकते हो तो इसे रखने का बहुत सारा तरीका है आप चाहो तो इस तरीके से लिटा कर के भी इसे रख सकते हो या फिर नॉर्मली भी प्लेस कर सकते हो तो मैं अपने किचन के इस वाले शेल्फ में ये छोटे छोटे सारे ही कंटेनर्स को रख देती हूँ तो जब भी एक्सेस चाहिए होता है खाना बनाते वक्त मसाले वगैरह का या खड़े मसाले तो तुरंत मिल जाते हैं उसके बाद ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में आजकल तो बहुत चला हुआ है इसके एक तरफ में आपको थोड़ी सी प्लेन सर्फेस मिलती है राउंडिंग नहीं आती है और सामने और पीछे की तरफ में राउंडिंग आती है तो स्टोर करना ईजी है इस पर मैंने ऐसे ब्लैक कलर का स्टिकर लगा दिया है अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं आप वैसे अगेन ये भी ट्रांसपेरेंट है इसकी लीड बहुत अच्छी है एयर टाइट है तो अच्छे से ये बंद हो जाता है हवा जाने का कोई चांस है नहीं थोड़ा सा क्लोज करने में दिक्कत आती है मुझे उतना इजी नहीं लग रहा था पर अगेन आप चाहो तो यूज कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे साइजेस भी मिल जाते हैं ये बड़ा साइज वाला लिया है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस मिल्क कंटेनर का तो ये जो कैरफे है इसमें मैं मिल्क बॉइल करती हूँ आप इसमें आ, पानी वगैरह बॉयल कर सकते हैं मिल्क बॉयल कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप स्टव में रख सकते हैं फ्लेम पर डायरेक्टली रखने से इसे कुछ भी नहीं होता काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती हूँ पर धीरे धीरे यूज़ करते करते कई बार इसका हैंडल थोड़ा सा लूज़ हो जाता है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है और मेरे पास ये दो साइज में है एक छोटा है एक थोड़ा सा उससे बड़ा है यहाँ पे ये जो तीन आप देख रहे हो कंटेनर्स ये बहुत काम में आते हैं तो ये मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने फ्रिज में जैसे ये आप छोटा सा गोल वाला देख रहे हो तो कभी भी कुछ एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर इसमें स्टोर करना हो या आटा स्टोर करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है फिर ये कि मिडिल साइज़ का है तो इसमें भी कुछ भी लेफ्ट ओवर स्टोर करना आसान रहता है या जैसे मैंने अभी इसमें बिस्किट डाल दिया है तो एयर टाइट लिड है इसकी रेफ्रिजरेट कर सकते हो आप इसे डिश वॉशर में वॉश कर सकते हो तो माइक्रोवेव सेफ भी है ये काफ़ी अच्छा होता है और ये एक बड़ा सा भी है मेरे पास ऐसे दो हैं तो इसमें भी कुछ भी स्टोर करने में आसानी हो जाती है उसके बाद एक ये वाला जो आप देख रहे हो ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजर है आप इसे मल्टीपर्पज वे में यूज कर सकते हो इसे आप फ्रिज में यूज कर सकते हो टमाटर वगैरह रखने के लिए या फिर इस तरीके से कई सारे जो एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं किचन में जो इधर उधर पड़े रहते हैं उन सबको आप चाहो तो इसमें प्लेस कर दो उसके बाद ऊपर में इसकी लिड आती है उसे बंद कर दीजिए तो आपको स्टोरेज में ईजी हो जाता है चाहे फ्रिज में रखिए चाहे रखिए अपने आप किसी भी कबर्ड वगैरह में ये जो आप देख रहे हैं लॉक एंड सील का काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये वाला कंटेनर है मैं बोलूँगी प्राइस भी कम है इसकी ये बी पी ए फ्री प्लास्टिक है तो आप इसे खाना वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैं फ्रिज में यूज़ करती हूँ मिर्ची अदरक नींबू वगैरह स्टोर करने के लिए तो अच्छे से एयर लिड भी इसकी है और साइज़ भी परफेक्ट है ये जो आप स्नैक्स और बिस्किट का देख रहे हैं ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैंने कहाँ से लिया तो मैंने ये वेबसाइट से लिया था ये है सॉल्ट कंटेनर ये मैंने लिया था होम सेंटर से पर मैं इसका लिंक ट्राई करूँगी आपको देने का बहुत ही प्यारा दिखता है ये ऊपर में ऐसी आपको ऐसे स्टील की लिड है साथ में ट्रांसपेरेंट सा दिया हुआ है ग्लास नहीं है एक्चुअली जो ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हो फाइबर टाइप का है पर काफ़ी अच्छा है मैं तो दो सालों से यूज़ कर रही हूँ मेरे पास दो हैं ऐसे एक्चुअली तो इसमें नमक स्टोर करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ ये जो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल होम कुकीज़ का ये वाला लिया था मैंने होम सेंटर से ये काफ़ी प्यारा दिखता है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ भी देखिए एयर टाइट लिड दी हुई है तो आप इसमें ज वगैरह स्टोर कर सकते हो या फिर ऐसे भी डेकोर पर्पस के लिए किचन में ये बहुत अच्छा रहेगा तो इसका भी लिंक मैं ढूंढ के आपको दे दूंगी तो इस तरीके से जो राउंड वाले आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ हैं जो प्यारे दिखते हैं पर हाँ स्पेस थोड़ा लेते हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत क्वेश्चन आता है तो ये मैंने जिस वेबसाइट से लिया था उसका मैं नाम आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें भी देखिए टाइट लीड है तो मेरे पास जितने भी कंटेनर्स हैं उसके लीड बहुत ही अच्छे हैं तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है चाहे आप कहीं भी रखो ये वाला जो ब्यूटीफुल किचन का आप देख रहे हो अगेन ये भी होम सेंटर का ही है तो ये दोनों जो हैं आप चाहे तो अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए या अपने डाइनिंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है कंटेनर अगर आपके किचन में आपको गोल्डन थीम रखना है तो फिर आपको ये डेफिनेटली परचेस करना चाहिए तो गोल्डन कलर की लिड आती है ग्लास का आपको मिल जाता है और और ये ये कई साइज 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 में आता है छोटा मीडियम और बड़े साइज का, ये मीडियम बड़े का का मैंने लिया है तो एयर टाइट लिड है इसकी इजिली क्लोज हो जाता है तो इसमें आप नॉर्मली जो मसाले वगैरह स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो तो मेरे पास दो साइज के इसलिए यहां पे हैं एक छोटे वाले हैं कि उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो छोटे वाले में जैसे गर्म मसाला रख दिया थोड़े बड़े वाले में आप रख सकते हो जो भी धनिया जीरा पाउडर वगैरह आपको स्टोर करना हो तो दिखने में भी प्यारा है काफ़ी अफोर्डेबल है और सेट ऑफ सिक्स सेट ऑफ नाइन ऐसे ये मिलता है अगर आपको थोड़ा सा और छोटे साइज में जाना हो पर सिल्वर नहीं ब्लैक थीम पे जाना हो तो उसके लिए मैं आपको ये ब्लैक वाला ऑप्शन दिखा रही हूँ तो ये भी अगेन सेम है इसमें लिड है काफ़ी अच्छी एयर टाइट तो ये जो छोटा वाला मेरे पास आप इलायची का देख रहे हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज में ही आ जाता है और उससे एक और बड़ा वाला ये भी है तो ऐसे मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको आपके किचन के लिए जो भी अच्छा लगे तो ये ब्लैक भी दिखने में प्यारा लगता है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो इसमें क्या है कि आपको कुछ भी स्टोर करना हो चाहे वगैरह तो निकालने में इजी हो जाता है क्योंकि ऊपर तो बार बार ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी डालते वक्त तो ये अच्छा ऑप्शन है जैसे ये में आपको खोलना है लीड को पर इस वाले में खोलना नहीं है तो इसमें भी कई सारे साइज आते हैं आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आपको ये वीडियो आशा अच्छा करती हूँ पसंद आया हो इनमें से कई सारे ऐसे कंटेनर्स थे ऐसे जार्स थे जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ आपने मुझे फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स में देखा होगा यूज करते हुए और कुछ मैंने अमेजोन से रिसेंट परचेज किया था ताकि मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर कर सकूँ वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था ये कम्प्लीटली मैंने अपने पैसों से इन सब चीजों को खरीदा है और आपके साथ में रिव्यू शेयर कर रही हूँ तो अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाती रहूँ चलिए तो मिलती हूँ अगली बार बाय।